जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक और रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन की रेसिपी। आज हम बनाएंगे हांडी चिकन। इसे हम घर पर मिट्टी की हांडी में बनाने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 किलो चिकन लिया है, हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देना है। हमने यहाँ पर 1/4 टीस्पून नमक लिया है और अब हमें इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करने हैं, जैसे कि 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। आप इस ग्रेवी को कितना स्पाइसी रखना चाहते हैं उस हिसाब से लाल मिर्च की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें इसमें खड़े मसालों में 1/2 टीस्पून जीरा, 18 से 20 साबुत काली मिर्च, 1 बादियान का फूल, 5 लौंग और दालचीनी ऐड कर देनी है। और अब हमें इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। इसी के साथ हमें इसमें ऐड करनी है दही। तो हमने यहाँ पर 1 कप बिल्कुल फ्रेश दही लिया है और इसी के साथ हमें इसमें काजू का पेस्ट ऐड कर देना है। तो हमने यहाँ पर 10 से 12 काजू लिए हैं और इसमें हमने अदरक का पेस्ट ऐड नहीं किया, इसलिए हमने 1 इंच के अदरक के टुकड़े को भी इसी में छीलकर ऐड कर दिया और काजू के साथ ही हमने अदरक भी पीस लिया है। तो बस थोड़े से काजू, अदरक और पानी डालकर हमने इसे पीस कर इसका पेस्ट बना लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसे कवर करके फ्रीज में 2 घंटों के लिए रख देंगे ताकि चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। चिकन को 2 घंटों तक मैरिनेट करने के बाद अब हम इसे कुक करेंगे, तो इसलिए हमने इसे एक मिट्टी की हांडी में ऐड कर दिया। और इसी के साथ हमने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली है और इन प्याज को हमने लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया। और अब हमने इसमें 1/2 कप फ्रेश क्रीम ऐड कर देनी है। आप यहाँ पर फ्रेश क्रीम की जगह दूध की जो मलाई आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर देंगे और इसी के साथ ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। और अब हमने मैरिनेशन के बोल को खंगाल कर इसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया है। पानी बस इतना ही ऐड करेंगे क्योंकि दही में से भी काफ़ी पानी रिलीज़ होगा। अब हमने जिस तेल में प्याज को फ्राई किया है उसमें से हमने 1/2 कप जितना तेल इसमें ऐड कर दिया है। तो बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें 2 तेज़पत्ते ऐड कर देंगे और हांडी को लीड से कवर कर देंगे। और अब हमें आटे से इसे इस तरह से पूरी तरह कवर कर देना है ताकि कहीं से भी स्टीम बाहर ना आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसे आटे से हर तरफ से अच्छे से कवर कर दिया। अब हम गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक के जो चिकन है वो अच्छे से टेंडर ना हो जाए। तो हमने इसे 1.5 घंटे तक लो फ्लेम पर पका लिया है। फिर हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया और 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रहने दिया। तो अब हम इस तरह से इसका जो आटा है वो निकाल लेंगे और इसकी लीड को खोल लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसमें जो दही ऐड की थी, दही में से भी काफ़ी सारा पानी रिलीज़ हो गया है और इसमें अच्छी खासी ग्रेवी बन चुकी है। और इसी के साथ हमारा जो चिकन है वो भी अच्छे से गल गया है। अगर आप इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं ताकि इसमें थोड़ी और ग्रेवी बन जाए, लेकिन इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस स्टेज पर हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। और इसी के साथ हमें इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। तो 3 हरी मिर्चों को हमने इस तरह से सेंटर में से काट लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमारा जो हांडी चिकन है वो सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो देखा आपने कैसे कम मेहनत में बहुत ही आसानी से हांडी चिकन बनकर तैयार हो गया। बस सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला दें, फिर हांडी को कवर करके लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दें। फिर कुछ देर बाद देखेंगे तो आपका हांडी चिकन बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है और साथ ही में बहुत ही बढ़िया हांडी चिकन बनकर तैयार होता है। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।